तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो अगर कोई भी पोर्टल है, और जैसे आपने कोर्स को कंप्लीट करते हुए आ रहे हो तो आपने देखा कि हमने जीएसटी रिपोर्ट तो एक पूरी तैयार कर ली है। इस जीएसटी रिपोर्ट को किस तरीके से हम जीएसटी पोर्टल के अंदर भरेंगे, किसी से अपनी जीएसटी रिपोर्ट फाइलिंग करेंगे। बेसिकली R1 और 3 भी दोनों के सिमिलर होगा, यहाँ पे सेम काम हो जाएगा। तो वो सिनेरियो किस तरीके से कवर होगा, इसके अंदर हम वो बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। इसके लिए आपके पास अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, जीएसटी का और लॉगिन कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, आप अपना जीएसटी होगा अगर आईडी आपके पास अगर है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप अपने अकाउंटेंट से भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना इजी कर देंगे कि आपको यहाँ पे अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर इनके सबको लगता है कि आपको जीएसटी को और समझना है, आप अपने जीएसटी टैक्सेशन को खुद हैंडल करना चाहते हो, तो हमारा एक पूरा कोर्स है जीएसटी के रिगार्डिंग, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि एक स्मॉल सेलर्स या सेलर या सेलिंग अकाउंट या थोड़ा छोटा व्यापार कर रहे हैं, खुद से अपना करना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे काम कर रहे हो, आपका 1-1 करोड़ रुपए का महीने का टर्नओवर जा रहा है, मान लो 50 लाख का भी जा रहा है, तो फिर उस कंडीशन में आप अकाउंटेंट को हायर करो, तो क्या आपकी झंझट वो हायर कर ले चंद पैसों, 500-1000 रुपए के अंदर, ठीक है? तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में अपन जो जीएसटी फाइलिंग करेंगे ना, वो रेगुलर मेथड से नहीं करेंगे, डाउनलोडेबल मेथड से करेंगे, मतलब ऑफलाइन मेथड से। वो मच मोर इजी होता है, इसमें काफी सारे प्रिपरेशन आप पहले से कर सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक ऑफलाइन टूल को डाउनलोड करना है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। तो आप डाउनलोड्स में जाओगे, डाउनलोड्स के अंदर जाके आप ऑफलाइन टूल्स में जाओगे, ठीक है? एंड ऑफलाइन टूल्स के अंदर अगर आप यहाँ पे आप पहुंचोगे तो आपको कुछ इस तरीके के काफी सारे ऑफलाइन टूल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपको अभी कौन सा प्रोसीजर करना है, उसके हिसाब से आप अपना ऑफलाइन टूल निकालते हो। तो बेसिकली अभी हमको GSTR 3 भी यहाँ पर है, ये काफी सारे ऑफलाइन टूल्स, हमको रिटर्न ऑफलाइन टूल निकालना है, रिटर्न ऑफलाइन टूल, ठीक है ना? ये सबका मिक्सअप है, कवर कर देता है, ये सारा काम आपको कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाउनलोड पे जाओगे एंड डाउनलोड पे क्लिक करोगे एंड प्रोसीड करोगे, तो बेसिकली आपको एक फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको पहले से पूरा डाउनलोड है, मेरे पास सब सेटिंग है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप जब उसको रार फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, जिस तरीके की आपको देखने को मिलेगी, इसको आपको इंस्टॉल करना है। देखिए ऑफलाइन जीएसटी टूल, जब आप इसको टूल को इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का ये ओपन हो जाएगा, कुछ जीएसटी की तरह दिखेगा, जरूरी नहीं है आपका नेट कनेक्शन हो, ये एक जेएसएन फाइल बना के देगा। लास्ट में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको बहुत यूजर इंटरफेस आपको बहुत सिंपल देखने को मिल जाएगा, हम सिर्फ पर्टिकुलर अभी के बारे में बात करेंगे किस जगह पे क्या काम करना है, ठीक है? ये इंटरफेस आपको मिल जाएगा, आप इसको छोटा कर दो, मिनिमाइज कर दो, इसमें मेले आपको नहीं करना। पहले आपने जो फाइल बनाई हुई है, जो हमने आपको बताया था कि हमारी ये मास्टर फाइल होती है, जो आप अपने अकाउंटेंट को देना चाहते हो या अपने अकाउंटेंट को दोगे तो वहां से आपका काम ईजिली कर देगा, तो वो फाइल आपको ओपन कर लेनी है, ठीक है ना? एज्यूम करता हूँ कि मैंने एक अपने लिए फाइल चूज कर रखी हुई है, जो कि मच मोर इजी है अभी के लिए आपको बताने के लिए। सिर्फ ये 5% का कुछ टैक्स बना है, इस फाइल को हमको ऑफलाइन में सेल करना है, मतलब ऑफलाइन में फाइलिंग करना है, ठीक है ना? तो ये फाइल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होगी इस पोर्टल के ऊपर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस पोर्टल पे अगर हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे तो हमको यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर देना होगा, क्योंकि ये सबके लिए है। आपने सिर्फ अपने जीएसटी से डाउनलोड करा तो ऐसा नहीं कि आप अपनी ही जीएसटी फाइलिंग कर पाओगे, आप यहाँ पे अगर 3-4 लोगों की भी जीएसटी फाइलिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर देना है, जो कि आप बेसिकली अपने एक अकाउंट से निकाल पाऊंगा मैं, ठीक है? तो अज्यूम करता हूँ मैंने ये जीएसटी नंबर यहाँ से कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट। तो अपना जीएसटी नंबर बिल्कुल प्रॉपर रखना है, कौन से ईयर का करना है और कौन से मंथ का। अभी दिसंबर का मंथ चलना है, जनवरी चल रहा है, स्टार्टिंग जनवरी का है, ठीक है ना? तो यहाँ पे सबको नो में टिक लगाना है। अगर आपकी सेल 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको यस करना है। आप क्वार्टरली करते हो या सेमीडेशनली, मतलब मंथली करते हो, तो आप मंथली करते हो तो नो लगाना है, अगर क्वार्टरली करते हो तो यस लगाना है। इसको प्रोसीड पे करना है, जब आप प्रोसीड पे कर दोगे तो वार्निंग देके ये एनएक्स कर देगा। यहाँ पे फाइल इम्पोर्ट करने का ऑप्शन है, आप चाहो तो मैनुअल भी भर सकते हो, मैनुअल प्रोसेस भी हम कवर करेंगे एक वीडियो के अंदर, पर पहले ये कोर्स की वीडियो है तो उसके लिए हम इसको काफी ज्यादा ईजी रखना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे करा है तो आपको वो फंक्शनलिटी मिलना चाहिए कि आप इतना इजी कर पाओ उस काम को, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो आपके लिए 2 मिनट का काम हो जाए। ये प्रैक्टिस मांगेगा थोड़ा सा, मगर हर महीने का आपने एक बार फाइल इसको रेडी कर लिया तो हर बार आपका 10 मिनट लगेंगे और आपकी जीएसटी फाइलिंग हो जाएगी, ठीक है? तो हमको अभी यहाँ पे नहीं जाना, हमें जाना है इम्पोर्ट फाइल में। इम्पोर्ट फाइल के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे आ जाएगा बी टू सी, क्योंकि हम सिर्फ सेल जो अभी कर रहे हैं वो बी टू सी में कर रहा है। अगर हम अदर फाइल्स की बात करेंगे तो अदर फाइल्स पे भी हमको करना है, मगर अभी हमारा अगर सेल नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ ये डायरेक्टली ई कॉमर्स वालों के लिए बनाया है जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो बी टू सी 80% सेल 90% सेल सिर्फ बी टू सी होती है। जो बी टू बी है वो आप मैनुअली भरोगे, इसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके इम्पोर्ट करना है SVC फाइल। अब ये फाइल कहाँ पर है, ये फाइल अभी तक अपन ने नहीं बनाई, तो यहाँ से हम फाइल बनाएंगे कि SVC फाइल में अपने को कन्वर्ट कैसे करना है। यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए, अब आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, जो आपने फाइल बनाई है, जो मैंने पहले आपकी प्रिपरेशन करवाई थी, ये SVC फाइल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपने अनरार करा था, जो डाउनलोड आपका यूटिलिटी हुआ था, वहां पे आपको एक सेक्शन विद SVC फाइल का फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। इस फोल्डर को आपको ओपन करना, और यहाँ पे आपको दो रिटर्न्स मिल जाएंगे, GST R1, GST R2। तो आपन को सिर्फ R1 के अंदर जाना है। R1 देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, और R2 जो होता है वो रिटर्न्स के लिए होता है, जो आपने परचेस लिया हुआ है, और R1 जो है वो आपका सेल्स के लिए, ठीक है ना। तो सेल्स में हमको सिर्फ B2C फाइल देखना है। यहाँ पर काफी सारी फाइल्स देखने को मिल जाएंगी आपको, तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे हमें को देखना है B2C S, मतलब B2C S और B2C L दो अलग होते हैं। तो आपको याद रखना है, सिर्फ आपको B2C S फाइल ओपन करना है। B2C S फाइल आप जब ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। ये फाइल में हुआ तो डाउनलोडेबल में आपको ये फाइल, ये सिर्फ SVC 2S की फाइल दे दूंगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैंने एक लेवल एडवांस कर दिया है। तो यहाँ पर जो टैक्सेबल वैल्यू है, मैं इसको पहले तो जीरो कर देता हूँ पूरा, ठीक है। एंड दूसरी चीज, मैं अभी यहाँ पे काफी सारे और कॉलम्स को हटा देता हूँ, जैसे कि ये 18% कर देता हूँ, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अभी मैं पहले तो यहाँ से क्या करता हूँ, इसका सारा ये वेस्ट बंगाल के बादशाह सिनेरियो हटा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा फाइल को सही कर देता हूँ मैं, उसके बाद दिखाता हूँ। तो देखो, मैंने एक फाइल को नोट करा हुआ है, अपने इंडिया के सारे स्टेट्स एक जगह पे ले रखे हुए हैं और रेट लिया हुआ है। तो मैं उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ, आपको ये कैसा मिलेगा, क्योंकि आप जब इसको ओपन करोगे तो हो सकता है आपको ऐसा ना मिले। तो आपको लिमिटेड 3 से 4 स्टेट्स लगे हुए मिलेंगे, उसके अलावा आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ रेट लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे ये और सब ये सीनरी आएगा। और यहाँ पे देखो ई-कॉमर्स GST भी लिखा हुआ है। अब इनको हमको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये फंक्शन GST ने डाला है, पर अभी ये वर्क नहीं करता। तो हमको करना सबसे पहले क्या पड़ेगा, आखिरी में OM लगाना पड़ेगा, मतलब OMOE, मतलब ऑन नॉन नॉन ई कॉमर्स तरीके का रहेगा, तो OE लिखना है आपको आखिरी में, ठीक है, सब में। उसके बाद यहाँ पे स्टेट के आगे आपको एक नंबर दिख रहा है, ये स्टेट के कोड्स है, तो आपको वही कोड्स वाले नंबर को ही यहाँ पर डालना है। अब इसके अंदर अगर आपको इशू आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फाइल आपने डाउनलोड करी है, जो फाइल हमने ओपन करी थी, एज्यूम करता हूँ मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ से एक फाइल को निकालता हूँ आपको, जो आपकी डाउनलोडेबल फाइल में ही है, ठीक है। तो डाउनलोडेबल फाइल के अंदर GST R1 की एक फाइल आपको देखने को मिल जाएगी, आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, मैं वेट लग रहा है। और यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट में जाओगे, सबसे आखिरी में मास्टर, ठीक है ना, मास्टर के अंदर आपको ये सारा सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा मैं थोड़ा सा बता दूँ। मास्टर में आप जब जैसे ही जाओगे, थोड़ा सा आप आगे करोगे, पुश करोगे, एंड देन देखोगे आप यहाँ पर कि सारे स्टेट्स लिखे हुए हैं, और स्टेट्स के आगे उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने इस फाइल को बनाया है, पर बेसिकली मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर अपने एंड से थोड़ा कस्टम करना चाहो तो वह आप अपना कर पाओ। तो हमने यहाँ पर ए से लेके जेड के, A to Z वाले फॉर्मेट में सारे स्टेट्स के नाम लिख लिए, ठीक है। ये करना इजी है आपके लिए भी, और एक बार में सब में 18% ले लिया। अब एज्यूम करता हूँ, और यहाँ से मैं अब छोटा करता हूँ आपको, ठीक है। अब मेरे पास ये जो डाटा है, मुझे इस शीट में कन्वर्ट करना है, तो मैं मैनुअली करूंगा इसको। मैनुअली क्यों करूंगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमको पूरा कॉपी कर लेना है पायो टेबल से हमारे, और हमारा यहाँ का काम खत्म हो जाएगा। हमको इस टेबल में आना है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास ये फॉर्मेट भी A to Z के फॉर्मेट में होता है। तो आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक का सारा सिनेरियो आ गया। आपको यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, नो बॉर्डर, ठीक है। तो देखिए, आपको ये पता है कि ये सारा GST कितने परसेंट का है, तो आपको यहाँ पे वो परसेंट ऑफ रेट लिखना पड़ेगा। अभी मुझे पता है ये 5% है, तो मैं सब पे 5% को कॉपी कर देता हूँ पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये सिंपल सिनेरियो होगा।
अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि ये मेरी सारी टैक्सेबल वैल्यू है, और उसके बाद जो मैंने आपको फाइल बना के बताई थी, अज्यूम करिए मैंने उसमें एक तीसरी चीज भी ली थी कि उसमें कितना टैक्स बन रहा है। पर यहाँ पर आपको एक स्टेप आगे जाने का ये भी बताता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती आपको। गवर्नमेंट को यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बताना कि कितना टैक्स आपका बना, क्योंकि वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। अगर मैं एक कैलकुलेशन लगाऊं कि इसका 5% कितना होगा, तो ये जरा सी देर में कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का दो चीजें हैं कि कितना परसेंट निकल रहा है और किस पे निकालना है, तो जरा सी देर में निकल सकता है, ठीक है ना। तो वही सिनेरियो इन लिमिटेड डाटा मांग रहा है आपसे, हर डाटा मांगने की गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ मैनुअली ये देखना है कि कौन सा फिगर कहाँ पे आएगा। जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, उसके बाद आसाम भी है, बिहार भी है, बिहार तक भी हमारी सेल हुई है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे चंडीगढ़ है और छत्तीसगढ़ दो अलग चीज़ है, तो मेरे को यहाँ से कॉपी करके बेसिकली मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू पेस्ट कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ जिस जगह पे मेरी सेल हुई है उस जगह पे उसका नंबर डाल रहा हूँ, और जहाँ पे सेल नहीं हुई है उसको जीरो रहने दे रहा हूँ। तो इसी तरीके को मैं जरा सी देर में करके आपको, वैसे मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो मैं वीडियो को ऑन रहने देता हूँ और साथ ही साथ मैं फटाफट कर देता हूँ, ताकि आपको भी उस चीज़ का नॉलेज होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना। एंड अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप उसको जब तक कमेंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हमको बता सकते हो कि हाँ यार हमको ये डाउट आ रहा है, या कुछ ना कुछ और सिनेरियो आ रहा है। बेसिकली ना एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो चीज़ है ना ये आती है प्रैक्टिस मांगती है। अब देखो मैं एक चीज़ और, अभी अच्छा हुआ यहाँ पे मैं कर रहा था, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की दो एंट्रीज आ गई मेरे पास, तो मेरे को क्या करना होगा उस कंडीशन में वो आपको बताता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर की दो एंट्रीज जो आ गई, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेसिस काम हो रहा है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर लिखने का तरीका दो जगह पे अलग था। जम्मू एंड का सिम्बॉल कश्मीर था और जम्मू एंड कश्मीर था, तो मुझे क्या करना है इन दोनों को सिलेक्ट करना है। और बेसिकली हम यहाँ पे देखो कि सम मेरे पास आ गया -353535, है ना। तो मैं यहाँ पे एंट्री को मैनुअल भी डाल सकता हूँ, 353, सॉरी 535, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा जम्मू एंड कश्मीर तक का सिनेरियो हो गया। और मैं एक चीज़ और प्रेफर करूंगा, जो शीट में आप काम करते जाओ उस वैल्यू को डिलीट करते जाओ, ताकि आगे मैं आपकी कंफ्यूजन और कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारा सिनेरियो ले लिया है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बेसिकली मैं दो दो या तीन तीन से ज़्यादा को कॉपी पेस्ट नहीं करता। उसका एक सिंपल रीज़न है, ताकि मेरे को पता रहे कि कौन सा वैल्यू छोड़नी है, ठीक है। इसको एक स्टेप में आप ये भी समझ सकते हो कि हम इसको कुछ इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, वैसे तो कि हमको ये पता चल जाए कि कौन सा नंबर कहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, पर उसमें मैनुअली जब हमको देखना ही पड़ता है तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। और जब आप ये चीज़ को करोगे तो इससे आपको पता भी चलेगा कि कौन से स्टेट में कितने रुपए की आपकी सेल हो रही है। तो ये सब सिनेरियोज मैंने काफ़ी टाइम से हिडन रखे हुए थे, क्योंकि सिर्फ कोर्स के लिए, बाकी ये डिटेल इतनी ज़्यादा यूजफुल हो चुकी थी कि अभी जीएसटी की अगर आप कहीं पे भी यूट्यूब पर वीडियो देखोगे, बता रहा कि हमारी खुद की वीडियो भी अप्रोक्स 6 घंटे की, आप 4 4 घंटों की वीडियोज डले हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस इतना ईजी था नहीं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये सारा डिलीट कर देना है जो भी हमारा वेस्टेज था, और हमारी पूरी शीट तैयार है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ सेव करना है, ठीक है। इसको समझ गए हो, इतने प्रोसेस को 2 3 बार देख लो, समझ में और अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिला हुआ है कोर्स का, तो आप बेसिकली इसको आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। आपको ये शीट को सेव करके बंद कर देना है। अब कहाँ आ जाएंगे हम, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, B2C स्मॉल को सर्च करना है, क्योंकि हमने डाटा कहाँ डाला है, B2C स्मॉल में। अब यहाँ पे जरूरी क्यों है B2C स्मॉल में, क्योंकि GST में भी उसी पैटर्न में जाएगा, ये भी हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे SVC फाइल को लोगे, और जहाँ पे आपकी फाइल रही है, मतलब जहाँ पे आपने फाइल सेव करी है, तो बेसिकली हमारी फाइल हमारे फोल्डर में ही रहती है GST में, जहाँ पर मैंने जहाँ से एडिट करा था, तो ये रही B2C फाइल। तो बेसिकली आप अपने B2C फाइल को सिलेक्ट करोगे, सिर्फ यस करोगे, यस करने के अगेन यस करने के बाद आप आगे चले जाओगे, तो ऑटोमेटिकली इसने पूरा एंट्रीज काउंट कर लिए, एंट्रीज कितना टैक्स बना वो काउंट कर लिया। और अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो आपको सारी एक एक एंट्रीज मिल भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। देखो ये पूरी एंट्रीज इसने कवर कर ली। अब अगर आप यही चीज़ को मैनुअल चढ़ाते तो आपको टाइम लगता, बेसिकली यहाँ पे वो सारा काम हो चुका है। आपको सिर्फ व्यू समरी पे क्लिक करना है, व्यू समरी पे करने के बाद जनरेट फाइल पे क्लिक करना है। ये जनरेट फाइल आपकी आ गई JSON, जेसॉन फाइल जैसे बोलते हैं, GST के अंदर यही फाइल को लगाया जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि टैली हो गया या अदर सॉफ्टवेयर, वो जेसॉन फाइल बना के आपको ऑटोमेटिकली देते हैं, पर ई कॉमर्स के रिलेटेड अभी वो वीडियो वैसे सॉफ्टवेयर अभी नहीं बने हैं, या हमको उतना अभी, मतलब ये समझ लो कि जो
सिर्फ ई कॉमर्स के रिलेटेड अगर आप 15-16 हज़ार का सॉफ्टवेयर खरीदोगे ना, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो ये आपके लिए ईजी मजमौर इसलिए, आपको ये फाइल को सेव कर लेना, इसका नाम याद रखना क्योंकि इसके अंदर आपका जीएसटी नंबर रहता है, ठीक है ना। ये आपकी सेव हो गई फाइल, अब आपको खोल लेना है अपना जीएसटी पोर्टल, ठीक है। अब यहाँ पे आएगी आपके पास जीएसटी की नॉलेज, तो आपके यहाँ जितना भी एंट्रीज है, जो भी रिटर्न है, वो सब मिलेगा आपको। यहाँ पे फाइल में जाना है, हमको करना भी दिसंबर की फाइलिंग, तो बेसिकली हम दिसंबर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। और जीएसटी का पूरे कोर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मैं आपको बेसिक एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा कोई भी वीडियो में हो सकता है कई बार ऊपर नीचे मिला है आपको, पहले जीएसटी R1 फाइल होता है, जीएसटी R1 के बाद जीएसटी 3 भी ऑटोमेटिकली भर जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जीएसटी R1 में डाटा डालना अपना, सिर्फ ई कॉमर्स वालों को यही काम करना और कुछ नहीं करना। आपको इस तरीके का पोर्टल देखने को मिलेगा, एड ऑन डिटेल्स और अमिटमेंट ऑन डिटेल्स। तो हमको एड रिकॉर्ड्स में जाना है, और सिर्फ कहाँ पे जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये सारे सिनेरियो जब देखने को मिलेंगे ना, तो इसके अंदर आपको घुसना नहीं है कहीं पे, सिर्फ B2C अदर्स में जाना है बस, ठीक है। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि जो अमेजोन पे B2B बिल्स मिले हैं उसके रिगार्डिंग हम एक अलग वीडियो बना देंगे, सिर्फ फाइलिंग नहीं करेंगे, मगर यहाँ पर आपको बताएंगे सिर्फ B2C, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन या मीशो पे सेल कर रहा है उनके लिए सिर्फ B2C पे ही रहना है, ठीक है। आपको ये सेलेक्ट करके इम्पोर्ट करना है, बेसिकली आपको इधर इस फाइल में डाटा भरा जाएगा मैनुअली, ठीक है, अगर आप एक एक करके भरना चाहते हो। और आप वो भी आपको बता देता हूँ, जो हमने अपना ये फाइल निकाली है, आप अपने स्क्रीन को डबल शेयर पे रख सकते हो और एक एक करके भी भर सकते हो। अभी मैं बता रहा हूँ, जो हमने बहुत बड़ा काम को एक बार में करके ना, ये एंट्रीज अभी सिर्फ इतनी है, हो सकता है आपकी एंट्रीज काफ़ी सारी बनी है। जैसे मैं एक फाइल और ओपन करके दिखा देता हूँ इसी जगह पर, ताकि आपको वो क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है ना। तो अज्यूम करते हैं मेरे पास एक अपने क्लाइंट की एक एंट्री है, जो क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के लिए जीएसटी फाइलिंग करते हैं, पूरा सिनेरियो आपके लिए रखते हैं, तो अगर इनकेस आपको करवाना है तो आप हमसे भी मैनुअल भी करवा सकते हो। तो ये उनकी फाइल है जिसमें 3% में भी सेल है, 15% में भी है, और ये सारा डाटा उनको मैनुअली डालना पड़ता। आपकी डाटा डालेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो मैनुअली डालने की बात हो रही है, तो एक एक स्टेट लेते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कितने रुपए की टैक्स बना, तो ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट है 2783, मेरे को हाथ से लिखना पड़ता क्योंकि यहाँ पे कॉपी पेस्ट काम नहीं होता, और परसेंटेज रेट मेरे को चूज करना 5%, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता। मैं जैसे रिज्यूम करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि गवर्नमेंट को वो चीज़ की नीड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, कैलकुलेट होकर उसका टैक्स निकल के आ गया, ठीक है। ये एक एक करके भरना पड़ता। अब हम बता रहे हैं आपको ऑफलाइन वाला सिनेरियो, तो आप अपने वापस रिटर्न वाले टाइम में आओगे, ठीक है। आपको बेसिकली अपना वही दिसंबर ओपन करना है, आपको हर पोर्टल में दो चीज़ें दिखेंगी, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तो हमको एक ऑफलाइन वाले सिनेरियो पे जाना, और ऑफलाइन वाले में जाके हमको सिर्फ अपनी फाइल को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी फाइल देखता हूँ, जैसे नंबर ये रहा, ठीक है। तो ये मेरी फाइल अपलोड हो गई, पूरी फाइल अपलोड हो चुकी है। मेरे को जितनी एंट्रीज करनी हो, 1,000 हो 10,000 हो, मैटर नहीं करता, वो सारी एंट्रीज एक बार में फाइल हो जाएंगी। मैं मेक श्योर एक चीज़ और कर दूँ, ये फाइल कैसे बनी है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसमें गलती करी तो आपका जीएसटी फाइलिंग गलत तरीके से बनेगा। क्रॉस चेक करने का मैंने तरीका बताया है आपको, अगर यहाँ पे डाउट आता है तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हो हमसे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर फाइल हमको देखने को मिल गई थी, हम वापस दिसंबर में जाते हैं। देखो, आपने एक बार में फाइल अपलोड करी, अब मैं आपको दिखाऊंगा ओपन करके वो डाटा भरा है या नहीं भरा। तो आप यहाँ पे ओपन करोगे एंड 70 के 70 डाटा पूरे भर चुके हैं, ठीक है ना। कोई टैग नहीं लगाते क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत एडिटिंग में मेरे को नहीं रखना होता, तो मैं आपको एक बार में बताऊंगा, क्लियर है ये चीज़ होती है, क्लियर, ठीक है ना। आप यहाँ पे आपको समरी पे जनरेट करना, ठीक है। समरी आपने जनरेट करोगे तो आपको पूरा बता देगा जीएसटी के अंदर कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। एज्यूम इतने रुपए की सेल पे मेरा इतना टैक्स बना, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विस जो है वो 5% के अंदर जाता था, ठीक है। यहाँ पर ये सिनेरियो रहेगा, और आप यहाँ पर टिक लगा के नाम सेलेक्ट करोगे एंड EVC, अगर आपका ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगा है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास एक कोड आता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं प्राइवेसी रखना नहीं चाहता उतनी ज़्यादा, कि आप देख पाओगे इस तरीके का आपको एक कोड देखने को मिल जाएगा मोबाइल में। मैं यहाँ पे वो कोड टाइप करूँगा B26427, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, आपकी GST R1 फाइल हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे
जीएसटी R1 से हट के पीछे चले जाऊंगा वापस दिसंबर मंथ में, क्योंकि हमको GST 3B भी फाइल करना है। तो हमको यहाँ पे GST 3B के लिए कॉलम देखने को मिल जाएगा। इसकी लास्ट डेट 20 तक है, अभी हम 15 तारीख को ही इसको फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लियर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, अगर आपकी कोई भी सेल नहीं हुई है तो आप येस करोगे, और अगर आपकी सेल हुई है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। तो हमको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, तो जो डाटा वहाँ पे मिला था ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। उसके अलावा जितना इनपुट क्रेडिट आना था वो भी हमारे पास आ चुका है, मतलब के जो हमने परचेस करा है वो सिनेरियो भी यहाँ पे हमारे को मिल चुका है, और ये सिनेरियो मिल चुका है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, अगर कोई लेट फीस लगी होगी तो वो मिल जाएगी आपको। उसके बारे में हमने कोर्स में सब कुछ डिटेल में कवर करा हुआ है, जीएसटी के लिंक में भी हमने आपको दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होता है, आपका पेमेंट बने या ना बने क्लिक आपको करना होता है। प्रोसीड टू पेमेंट के बाद मैं पेमेंट ऑन क्रेडिट मतलब आपके पुराने पैसों में से काट लिया जाए, मगर अगर नहीं बना होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा बता देगा कि वो कुछ नहीं बना। अभी हमारे सिनेरियो में अगर 58 रुपीज़ बने हैं तो उसने वो भी बता दिया 58 रुपीज़ बने, तो इसको 58 रुपीज़ को बेसिकली मैं किसी तरीके से ओवरकम कर लूंगा, क्योंकि मैंने इस कोर्स में सारी चीज़ें बताई हैं। मगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेमेंट, एंड पेमेंट करने के 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, वो आपको मैंने ओवरकम बताया हुआ है कि ओवर द काउंटर, NEFT, और सबसे बेहतरीन जो होता है वो था ई नेट बैंकिंग। तो ई नेट बैंकिंग के थ्रू आप जाओ, ई नेट बैंकिंग के थ्रू जाने के बाद आप उसको कवर करो और पेमेंट मिलेगा और आपका GST फाइलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि सारा सिनेरियो मैंने जो आपको बताया होगा वो आपको क्लियरली मेंशन हो गया होगा, और इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो अपना GST खुद फाइल करने का, अगर आप सिर्फ ज़्यादा बड़े सेलर नहीं हो। क्योंकि मैं एक चीज समझता हूँ, ₹500 मिनिमम चार्ज होता है GST फाइलिंग का, ठीक है। और अगर आपको 300 भी मिल रहा है तो आपने एक साल भर के अंदर ₹6,000 का काम करवा लिया, ₹3,000 का भी अगर अपने अकाउंटेंट को दे रहे हो ना, तो उससे कम तो हमारे कोर्स की वैल्यू है, जो कि लगभग हम लोग 4 लाइन में निकल रहा है जो GST समझाएगा आपको। तो आप अगर 5 महीने 10 महीने भी अपने GST फाइलिंग करोगे ना, आपका वैसे 2 महीने के अंदर ही पैसे पूरा का पूरा पैसा वसूल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।